जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक हूँ। अच्छा यार, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, देखते हैं आज क्या काम हो रहा है, किस तरह हो रहा है, चलते हैं। सबसे पहले जी, हमारे ठेकेदार साहब आजकल फुल चेल हैं, लेस खाने में मसरूफ हैं, क्योंकि इनको इंजरी हुई है, टांग पर चोट लगी है, जिसके वजह से काम नहीं कर पा रहे। और ठीक हो ठेकेदार साहब? अब तभी ठीक है। चलो ठीक है, टिकटॉक देखो, मैं आया वीडियो बना के। इसके साथ यार हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह काम हो रहा है। काफी ज्यादा ले रहे हैं यहाँ पर। जी तो भाई साहब, आप देख सकते हैं बलोच साहब जो है इस वक्त मसाला तैयार कर रहे हैं और काफी ज्यादा मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। आइए आगे लगे चलते हैं। सीमट जी हमारा खत्म हो गया जी। ये भाई साहब इस वक्त पलस्तर करने में मसरूफ हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारी एंट्रेंस है, नीचे वाला पोर्शन है, पहला घर मुकम्मल हो चुका है, ग्रे स्ट्रक्चर के लाइट नहीं है इसलिए कुछ खास नजर नहीं आ रहा। तो आइए ऊपर चलते हैं। ये ऊपर का टीवी पहुंचा, सीढ़ियों के नीचे हमने किचन दिया हुआ है और ये हमारी विंडो है, ये इसका पहला कमरा है, पहला बेड है, अटैच बाथ। आगे चलते हैं, ये सेकंड रूम है, यहाँ से दूसरे घर में जाएंगे हम। दूसरे घर का सेकंड पोर्शन भी आप देख सकते हैं तकरीबन तैयार हो चुका है। ये इसका बेड है, ये इधर विंडो दी हुई है, ये वॉशरूम के लिए दरवाज़ा, ये वॉश फैन या विंडो दी हुई है वॉशरूम में, यहाँ से ये वॉल बंद कर दी जाएगी। आगे चलते हैं। भाई साहब यहाँ से हम जो है सीढ़ियाँ उठा रहे हैं दूसरे घर के, काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुई हुई यहाँ पे। आगे चलते हैं। ये जी हमारा फ्रंट भी अल्लाह ने चाहा कल स्टार्ट हो जाएगा, कल से बनना शुरू हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं उसकी तैयारी जो है मुकम्मल है। इस वक्त सारा जो है फर्श तोड़ दिया गया है हिल्ट्री मशीन के साथ। ऊपर चलते हैं जी छत पे, क्या सीन हो रहा है। जी ऊपर ममटी की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यार ममटी हमने कितनी बड़ी खुली डुली करके बनाई हुई है। ये ममटी नहीं, ऐसा चेक रूम है पूरा ऑल टाइम। ऊपर हमने एक वॉशरूम का फीचर भी ऐड कर दिया है ताकि अगर कोई ऊपर रहना चाहे वो रह भी सकते हैं इजीली। इसको अब हम कच्चा करेंगे, उसके बाद इसको प्लास्टर वगैरह हो जाएगा। बाहर से यार ये कुछ ऐसी लुक दे रहा है। चलते हैं यार, का भी विजिट करते हैं यार क्या है। यार आप देख सकते हैं पूरी छत पे हमने जो है मटेरियल को स्टॉक किया हुआ है, क्योंकि ऊपर काफी ज्यादा अभी जो है काम होने वाले हैं, तो क्योंकि बार बार जो है ऊपर माल लेके जाने के लिए लेबर पड़ती है आपको पता है, तो इसलिए हमने पहले ही ऊपर माल स्टॉक किया हुआ है। आइए ममटी पर चढ़ते हैं, देखते हैं क्या सीन है। सब आप देख सकते हैं यार, ममटी के हमने चार रदे सोचा था कि हम ऊपर कराएंगे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमारे कस्टमर ने में कहा था
के जो बंटी के जो बाउंड्री है इसके चार चार जो है रद्दे ऊपर कर दिए हैं, तो आज वो रद्दे मुकम्मल कर दिए गए या प्लस्तर किए जा रहे हैं। और ममटी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, वो ऊपर चलते हैं जरा। ये चौधरी मुनीर है जी, फोरमैन। आज आपको थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ कि यार प्लास्टर किस तरह होता है, वही चलते हैं। ये देखिए यार, भाई साहब ये पहले इसको जो है सीमेंट को छटे मार मार के फेंकते हैं कांडी के साथ, और फिर उसके बाद लंबी सी स्टिक के साथ, उनकी कही था चपटी के साथ इसको अच्छी तरह जो है प्रेस करके इसको मेल्ट करते हैं, और फिर ये इस तरह का साफ सुथरा सा मोल बन जाता है। ये करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी चाहिए। नए बंदे के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है ये करना। ये जो भाई मिस्त्री हैं कम से कम 30 साल के एक्सपीरियंस रखते हैं अपने उस्ताद यासीन, ये ठेकेदार के खास जानने वाले हैं। आप देख सकते हैं उनका गरमाला चलाने के अंदाज से काफ़ी ज़्यादा जो है ये तजर्बाकार है। आज की तमाम एक्टिविटी मैंने मुख्तसर सी वीडियो में बता दी भी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।